और यूट्यूब चैनल स्टडी विद येरी सिस्टर्स। तो मैंने जैसे कि आप लोगों से कहा था कि मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आई होप सो कि आप सब इससे सेटिस्फाइड होंगे और कुछ सीखेंगे भी। मेरे पास बुक में आंसर अवेलेबल नहीं है जिससे कि पूरी तरह से मुझे कंफर्म हो कि हाँ ये जो आंसर जो दिया गया है वो सही है, पर तरीका यही होता है और जिससे कि आप एग्जाम वगैरह में भी आए तो आप बना सकते हैं। बाकी आंसर मैच ना करे तो आप घबराइएगा नहीं, आप सिर्फ ये देखिएगा कि इसी तरीके से बनती है, ये सब बनता है ये न्यूमेरिकल, उसी हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक है। यदि कुछ गलती भी होती है तो आप प्लीज़ माइंड ना करिएगा, मुझे बोलिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हमारे पास जो आगे की प्रश्न है, जैसे कि देखिए बुक में दिख रहा होगा आप लोगों को कि इनमें से कौन से ज़्यादा सक्रिय होता है, और निम्न में से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम इन सब यहाँ से स्टार्ट करते हुए, यहाँ देखिए कोई किसी का भी आंसर दिया नहीं है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से ही हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने जैसे कि कौन सा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, देखिए पहले है सोडियम है, उसके बाद है पोटेशियम है, उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है हमारा सोडियम, ठीक है। सोडियम बहुत सक्रिय होता है और इसकी प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर देखिए सोडियम 11 सोडियम प्लस है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या हम क्या जानते हैं, जो एटॉमिक मास होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर ही उसकी प्रोटॉन की संख्या होती है, 11 हो गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग हमने पढ़ा था जैसे कि हमारे पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, यानी कि तो ये 281 निकला जब ये पूरा स्टेबल मोमेंट में होता है, लेकिन इसने क्या किया कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देता है, यानी कि जब अपने पूरा फुलफिल जो होता है ना के एल सेल जो होता है उसको फुल करने के लिए के एल एम एन जो सेल होता है बोर्स की थ्योरी के अनुसार, तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने आप को इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर देने के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, जिससे कि त्याग करने के कारण इसकी जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो इसके पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि ये इसीलिए ये पॉजिटिव दिखाता है हमारे सिंबल में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम होगी यानी 10 होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, जिससे कि यहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस हो गई। हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर जब ये स्टेबल स्टेट में होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन का देना और लेना जब नहीं होता है, ताकि अपने आप को ये इनर्ट गैस स्ट्रक्चर वाला नहीं देते हैं, किसी भी सेल में नहीं केमिकल रिएक्शन में नहीं घुसते हैं, तो ये कौन सा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 281, अपने आप को स्टेबल। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यही होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो ये रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण इसकी पॉजिटिव संख्या बढ़ गया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। और मास नंबर है, यदि दोनों का हम ले आएंगे, मास नंबर हमारे पास कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 12, ठीक है। तो मास नंबर कितना हुआ, 23। उसी तरह से 19K पोटेशियम है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या हो गई 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गई 18, और न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 20, मास नंबर हो गया 39। उसी तरह से कैल्शियम की हो गया, तो कैल्शियम 20 कैल्शियम प्लस प्लस है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, और न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगी, मास नंबर होगा 40, ठीक है। उसी तरह से 12 मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम प्लस है, तो इसमें मास नंबर हो जाएगा 24, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी ये यानी 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ 11 हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 12, ठीक है। इस तरह से करके हमने ये सबका निकाल लिया, और सबसे जो रिएक्टिव मेटल है वो है सोडियम, ठीक है। ये वन नंबर का आंसर हो गया। यहाँ पर दूसरा नंबर पूछा जा रहा है हमसे, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ और भी क्वेश्चन में ऐड होगा, आपके बुक में होगा तो आप देख लीजिएगा। दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कोई रासायनिक तत्व धनात्मक है और उसकी परमाणु संख्या 11 है, ठीक है, कोई रासायनिक तत्व धनात्मक है उसकी परमाणु संख्या 11 है, तो तत्व की पहचान करें। तो यहाँ पर जो रासायनिक तत्व धनात्मक है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ और ऐड होना चाहिए, फिर भी यदि इस तरह से क्वेश्चन है
यदि कोई रासायनिक तत्व धनात्मक है तो सोडियम प्लस आयन है, कुछ ऐड और होना चाहिए था क्वेश्चन में। तो उसकी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर है वो 11 दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हम फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, और ये एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या 11 मिल गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या में मिल गई हमारे पास। ठीक है, तो इससे ये पहचान होती है क्या कि कोई, यदि मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, मान लिया कि कोई ए एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर हमें मिल गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में मिल गई, तो हम इसे पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये सोडियम आयन है। ठीक है, राइट आंसर होगा सोडियम या सोडियम आयन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा है हमें कि कैल्शियम कार्बोनेट के अणु का भार एनटीपी पर ग्राम में कितना होगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बोनेट के अणु का भार एनटीपी पर ग्राम में कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये लिख सकते हैं क्या कि एनटीपी पर कैल्शियम कार्बोनेट का अणुओं का भार ग्राम में यदि निकालें, यानी कि CaCO3 इज इक्वल टू इनका ग्राम का अणु भार इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। कैल्शियम का होता है 20, उसके बाद कार्बन का 12, और यहाँ ऑक्सीजन के 3 हैं तो 16 इंटू 3 यानी कि हो गया हमारे पास टोटल, सॉरी 80 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि किसी पदार्थ के ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या संख्या जो होती है एनटीपी पर कितनी होती है, 6.023 × 10²³ होती है। तो ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 6.023 × 10²³ का CaCO3 का अनुभार इज इक्वल टू 80 ग्राम, यानी कि इतना CaCO3 का इतना भरा भार होता है 80 ग्राम में। हाँ, तो इसलिए एक निकालेंगे इसका अनुभार, तो हो जाएगा 80 बाई 6.023 × 10²³ इज इक्वल टू, राइट आंसर होगा 13.28 × 10²³। ठीक है, ये आप आंसर मैच कर लीजिएगा, बुक में आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 4 नंबर का, हम लिख सकते हैं 4 नंबर को कैसे कर सकते हैं। 4 नंबर में हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मैंगनीज डाइऑक्साइड मिश्रित 122.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर एनटीपी पर कितना ग्राम पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ मैंगनीज डाइऑक्साइड की क्या भूमिका है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड की भूमिका क्या होती है, यानी MnO2 की भूमिका होती है कैटलिस्ट का काम करता है और प्रतिक्रिया का दर को बढ़ाता है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाना, यानी कि जो रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है वो अपने आप को बिना खत्म किए हुए उस प्रतिक्रिया को दर को बढ़ाते रहना है, यहीं पर वो मैंगनीज डाइऑक्साइड का यही भूमिका है। ठीक है, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ। हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है, तो हम इसको रिएक्शन के रूप में पहले समझते हैं कि 2 KClO3 + MnO2 KCl + 3O2 ये रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन है ये। तो यहाँ पर 2 मोल है, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें, 1 मोल मिल रहा है, किसका मिल रहा है, पोटेशियम क्लोरेट का मिल रहा है, यही पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो हम क्या जानते हैं, क्या आप लिख सकते हैं कि मॉलिकुलर मास
ऑफ के सी एल ओ थ्री इज इक्वल टू 39 के पोटेशियम का होता है, प्लस 35.5 होता है क्लोरीन का, और प्लस ओ का तीन अणु है, तो हम इसको 3 लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास होगा टोटल 122.5 ग्राम ग्राम में आ गया। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि चूंकि 2 मोल ऑफ के सी एल ओ थ्री यानी पोटेशियम क्लोरेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ के सी एल, यही निकल रहा है यदि हम इसको करेंगे तो। 1 मोल ऑफ के सी एल मिल रहा है हमें, इसलिए 1 मोल ऑफ के सी एल ओ थ्री इज इक्वल टू 1/2 मोल ऑफ के सी एल। तो मॉलिकुलर मॉलिकुलर मास ऑफ ऑफ के सी एल इज इक्वल टू होगा 1/2, ये रहेगा ठीक है, 1/2 × 39.35.5 इज इक्वल टू 1/2 × 74.5 और 37.25 ग्राम। ठीक है, ये आंसर होगा, यानी कि मॉलिकुलर मास हमें कितना प्राप्त होगा, हमें इतना ग्राम प्राप्त होगा। ठीक है, एनटीपी पर यही पूछा गया है ना, हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 260 ग्राम K2SO4 में कितना मोल K2SO4 होगा। देखिए, ठीक है, 260 ग्राम K2SO4 में कितना मोल K2SO4 होगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, यदि मॉलिकुलर मास निकालेंगे, मॉलिकुलर मास ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 39 × 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4 इज इक्वल टू, इसका मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं हम लोग 174 इन ग्राम, ये ग्राम में होगा, मोलिकुलर मास जब निकालते हैं तो ग्राम में आता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या कि मोल की संख्या इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय ग्राम अनुभार, ग्राम अनुभार। ठीक है, तो ग्राम में मात्रा हमारे पास कितना है, 260 ग्राम है, और ग्राम अनुभार कितना आया हमारे पास, 174 ग्राम आया, तो हमारे पास जो डिवाइड करने के बाद आएगा 1.494 मोल, आंसर मोल। ठीक है, ये आंसर होगा। 6 नंबर हमें क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जब सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो एनटीपी पर उत्पन्न CO2 की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि सोडियम कार्बोनेट हुआ तो हम इसको रिएक्शन के तौर पे लिख सकते हैं, Na2CO3 प्लस H2SO4, ये रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, Na2SO4 ये हमें मिलेगा, प्लस CO2 मिलेगा ये, और प्लस H2O मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें CO2 की मात्रा निकालनी है, तो हम Na2CO3 का ग्राम अनुभार निकालेंगे, का अनुभार हमें इस यहीं से मिल रहा है CO2। ठीक है, तो हम पहले इसकी मात्रा निकालेंगे, 2 × 23 प्लस 12 प्लस 16 × 3। ठीक है, हमारे पास टोटल कितना आएगा, 106 ग्राम। ठीक है, उसके बाद CO2 का अनुभार निकालेंगे, CO2 का अनुभार इज इक्वल टू होगा 12 प्लस 16 × 2 यानी कि 44 ग्राम। हम क्या जानते हैं कि मोल की संख्या इज इक्वल टू ग्राम में मात्रा बाई
ग्राम अणु भार, ग्राम में मात्रा है हमारे पास कितना 106, और ग्राम अणु भार कितना हुआ 44, यानी कि हो गया 2.4। ये मोल निकला। एनटीपी पर CO2 की मात्रा इज इक्वल टू होगा मोल की संख्या इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल की संख्या है हमारे पास 2.4, मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, यानी कि टोटल हो गया 53.96 लीटर आंसर। आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि पूछा गया है यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं। तो परमाणु के मौलिक कण हमारे पास, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो 92 यूरेनियम 238 है, परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 92 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 92 होगी, और 238 -92 कर देंगे तो जितने आएगा उसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसी 9 नंबर में पूछ रहा है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या 6 और 8 है। तो परमाणु का द्रव्यमान यानी कि मास नंबर निकालना है। हम क्या जानते हैं, यदि मान लीजिए कि 6 और 8 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया है हमारे पास कितना, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 9 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है 6। तो नंबर यदि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है, हम यही जानते हैं। तो यदि 6 दिया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जानते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा 6। फिर न्यूट्रॉन की संख्या भी दे दिया है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8 दे दिया है, तो हम मास नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मास नंबर इज इक्वल टू हो गया 8 + 6, यानी कि 14, यही ही निकालना है हमें। ठीक है, उसके बाद है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या कि 17A35 और 17A37 में क्या संबंध है। ये दोनों आइसोटोप है, किसके आइसोटोप है, ये है क्लोरीन के आइसोटोप है। ठीक है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है और आयन से क्या ऐसा, आयन से तो ऐसा है, हमने जैसा पढ़ाया था आपको क्वेश्चंस वगैरह में, तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, उसी में आयन से संबंधित जो भी जानकारियां होगी। और ये आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के हैं, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। यहाँ देखिए, अब 17 है तो ये है हमारे पास पास प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगी हमें इससे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी, और एटॉमिक नंबर भी वही होता है। ठीक है, यदि जब कोई आयन में ना हो तब। यहाँ पर आइसोटोप्स हैं तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 37 है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखा दे रही हूँ 10 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर जैसे है 17A35 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया हमारे पास 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 17, और 35 -17, तो हम इससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की भी संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम ये इसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर पे, कि यदि एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 गैस में अणुओं की संख्या इतनी है, यानी 6.22 × 10²³ हो, तो एसटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग इसको निकालते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एट 22.4 लीटर वॉल्यूम कॉन्टेंट्स इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.23 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 22.4 लीटर वॉल्यूम कंटेंट्स, इतना मॉलिक्यूल्स होता है ना, तो इसलिए 1 लीटर
वॉल्यूम कंटेंट्स इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.023 × 10²³ बाई 22.4। इसलिए 11.2 लीटर वॉल्यूम कंटेंट्स इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6.023 × 10²³ × 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू समथिंग। आंसर आएगा हमारे पास 3.0115 × 10²³। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हुआ कि एसटीपी पर 11.2 लीटर ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या इतनी होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परमाणिक तापकरण में दबाव पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नाइट्रोजन के एक मोल में कितना होता है, 14 × 2। यदि एक हो तो 14 लिख सकते हैं, लेकिन दो हो तो 28 ग्राम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1/28, इसलिए 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 × 7/28, यानी कि 1/4 मोल। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मोल, ठीक है, डिवाइड करके, तो हम लोग 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज इक्वल टू नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं कितने मोल ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं मोल की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल हमें पता है, ठीक है, और एनटीपी पर मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, यानी कि 5.6 लीटर आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, क्वेश्चन हमसे कहता है क्या कि 27 डिग्री टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस और 50 मिलीमीटर पारे के दबाव पर 500 सीसी HCl गैस में यदि 1.2 × 10²³ अणु उपस्थित हैं, तो सामान्य तापक्रम और दबाव पर 2.5 लीटर गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला हमने एक बार और आप लोगों के न्यूमेरिकल में दिखाया था कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है, लेकिन P1V1 डिवाइड बाई N1 × T1 इज इक्वल टू P2V2 डिवाइड बाई N2 × T2। तो यहाँ जो P है वो P है प्रेशर, B है वॉल्यूम, T है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास ये दोनों का इक्वल है, और N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चूंकि हम क्या जानते हैं, सामान्य तापक्रम और दबाव पर हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास प्रेशर इक्वल हो गया, टेम्परेचर भी इक्वल ही हो गया। तो हम जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इक्वल हो गया, तो वॉल्यूम हमारे पास जो फॉर्मूला आया क्या कि V1 / N1, V2 / N2। ठीक है, 500 cc इज इक्वल टू 500 ml, इसको हमने ml में कन्वर्ट कर लिया। 1 cc इज इक्वल टू होता है 1 ml। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास जो वॉल्यूम है 500 डिवाइडेड बाई, हमने हमारे पास जो दिया हुआ है 1.2 × 10²³, और V2 भी दिया हुआ है, हमें निकालना है N, दूसरे गैस का हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है।
तो जिस तरह से हमने ये सॉल्व करके यहाँ पर हमने निकाला है, एक ही का आंसर हमारे बुक में दिया हुआ है जिसका आंसर हम मेरे आंसर से मैच होता है, बाकी किसी का भी आंसर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो आंसर ना आए तो आप घबराइएगा नहीं, इससे कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस हमारा जो सोल्यूशन होना चाहिए वो राइट टर्न में होना चाहिए जिससे कि हम अच्छे से निकाल सके। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा 16 × 10^22 आंसर राइट आंसर होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन हमसे कहता है क्या कि 68 ग्राम ऑफ SO2 में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग क्या जानते हैं, SO2 का यदि अणुभार हम लोग निकालें तो 64 ग्राम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि मोल की संख्या होती है ग्राम, ग्राम में मात्रा डिवाइड बाय ग्राम अणुभार। तो हमारे पास जो दिया है ग्राम में मात्रा दिया है कितना 68 ग्राम, अणुभार आया हमारे पास 64, हमने डिवाइड करके निकाला तो हमारे पास आया इतना। हम लोग SO2 में अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या जानते हैं कि यदि इतना अणु है तो हम लोग इसको एक SO2 में उतना ही अणुओं की संख्या होती है नंबर ऑफ एवोगाड्रो, तो यदि हम इसको मल्टीप्लाई करके हम इतना निकाल सकते हैं उनकी अणुओं की संख्या। ठीक है, इस तरह से हमारा जो 14 क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पर कवर किया। आई होप सो को आप लोग को अच्छे से समझ में आया है, और कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक आप इसको ठीक से रिवाइज करिए, और भी क्वेश्चंस वगैरह लेके हम लोग आते रहेंगे। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।